देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर सितारगंज से है, जहां लोगों से अपील करते हैं कि घरों में गंदगी ना करें, जो कीड़ा पतंगा पैदा हो। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की, मेरा तो काम है सांप की जान बचाना और इंसानों की जान बचाना, लेकिन आप लोग इसको मजाक ना लें और अपने घरों में साफ सफाई रखें। और जिस किसी के यहाँ भी सांप कीड़ा पतंगा है, मुझे सूचना दे, मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन खुद जाकर इस कार्य को ना करें, क्योंकि यह जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने स्वस्थ भारत के लिए भी अपील की, साफ सफाई रखो, स्वस्थ रहो। आप देख रहे हैं सितारागंज से मोहम्मद उस्मान अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुलजार खान स्नैक रेस्क्यूअर सितारगंज उत्तराखंड में। बरसात का समय आ चुका है, कृपया कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि आप अपने घरों के आसपास कूड़ा कचरा लकड़ी इकट्ठा ना करें। रेप्टाइल निकलने का वक्त मई जून से स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि कहीं पर कोई रेप्टाइल निकलता है तो आप उससे छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक जानलेवा कारण है। इसको एक प्रशिक्षित हैंडलर ही हैंडल कर सकता है, क्योंकि अपने क्षेत्र में 80% लोगों को सांपों के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सा वेनमस है, कौन सा नॉन वेनमस। इसलिए सांप से खिलवाड़ ना करें, ये एक जानलेवा काम है। लोगों की सुविधा के लिए, इंसानों की सांपों से जान बचाने के लिए और सांपों की इंसानों से जान बचाने के लिए हम इस कार्य को करते हैं। लिहाजा आप लोगों का अनुरोध है कि आप इस काम से छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, ये जानलेवा हो सकता है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई स्नैक बाइट होती है तो किसी ओझा गुनी बाबा के पास ना जाएं, सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट लें, क्योंकि हर साल भारत में 30 से 40 हज़ार मौतें सांप के काटने से होती हैं। वो किस कारण कि लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ना लेकर के झाड़ फूँक के चक्कर में लग जाते हैं। लिहाजा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसमें बिल्कुल रिस्क ना लें, सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट लें, या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं, नज़दीकी बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। सिर्फ डॉक्टर ही है जो आपकी जान बचा सकता है। झाड़ फूँक के चक्कर में रिस्क बिल्कुल ना लें। सांप के वेनम से बना इंजेक्शन ही आपकी जान बचा सकता है, कोई गंदा तारीख झाड़ फूँक नहीं बचाएगा। लिहाजा आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस खतरनाक खेल में हाथ ना डालें, ये जानलेवा काम है। लिहाजा आपके घरों में, दुकान में, मकान में कहीं भी कोई टैक्टाइल निकलता है तो आप तुरंत वन विभाग को सूचित करें या हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अन्यथा कहीं कोई हादसा होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। ये बहुत रिस्की काम है, इसको हाथ ना लगाएं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।